यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी करनी है, पेपर वन पेपर टू को एक साथ लेकर चलना है, पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वेलकम टू यूजीसी नेट अरा 24/7। आई एम प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड फॉर इंग्लिश पेपर टू। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि वो बच्चे जो कम टाइम में कम मेहनत करके रिजल्ट निकाल लेते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट कैसे होती है, वो कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। आपने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, आपका जो नेट का एग्जाम है ये दो पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जनरल नेचर का है, इसमें 10 यूनिट्स हैं। पेपर टू आपका कंसर्न सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसमें आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाता है, विड्थ में भी और डेप्थ में भी। अब पेपर वन की बात करें तो पेपर वन बहुत सारे फैसेट्स को चेक कर रहा है। ये आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहा है, लॉजिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहा है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हैं जैसे कि ICT कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपका हायर इंडिया का जो हायर एजुकेशन है, रिसर्च है, उसके लिए जो नॉलेज है आपकी, इन सभी एस्पेक्ट्स को वो टेस्ट करता है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेट के पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। मतलब इसका कोई और सोर्स नहीं बनता, ओनली नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बस। और वो भी मैं आपको बता दूं, कोई लोग बोलते हैं 10 साल पढ़ने, 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 ईयर्स के करिए आप। ये बात आप मान के चलिए कि ये पैटर्न, मैं आपको बता दूं, सिर्फ नेट में नहीं अप्लाई हो रहा है, ये अक्रॉस इंडिया। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखे हैं, बहुत एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाई है। आपका UPSC का CSAT एग्ज़ाम हो गया, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए हैं हमारे पास बहुत सारे, TGT, PGT, PRT एग्ज़ाम्स हो गए। इन सभी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका जनरल नेचर का पेपर होता है, और यही टॉपिक्स को, इन्हीं एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। अब इनकी तैयारी आप सिर्फ इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करें, बिकॉज इन क्वेश्चंस में एक हिडन पैटर्न होता है। एक अच्छा टीचर भी वही है जो स्टूडेंट को वो पैटर्न समझा सके, और एक अच्छा स्टूडेंट भी वही है जो इन पैटर्न्स को खुद से समझ के उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। आपको उस पैटर्न के बियॉन्ड नहीं जाना है। अगर आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लेंगे और आप उस लेवल का मैथ सॉल्व कर पा रहे हो, उस लेवल का RC सॉल्व कर पा रहे हो, आपको उस लेवल का टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन दैट केस आप एक सेफ जोन में हैं, और तैयारी पहले से शुरू करेंगे, अकॉर्डिंगली शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकेंगे। पेपर वन में एवरेज बच्चा 50-60 मार्क्स स्कोर करता है, आपने 80 प्लस स्कोर करना है। कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 साल के पेपर वन को देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप्स लिख लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ है, अभी हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ की बात की, तो मैथ में आपको पता है कि टाइम डिस्टेंस स्पेस वाले टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस वाले टॉपिक से हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, परसेंटेज से कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। तो परसेंटेज से आपको और चीज़ें नहीं करनी है, परसेंटेज से आपको वही स्पेसिफिक तैयारी करनी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हाई से हायर लेवल पे भी जा सकता है, लेकिन नेट जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको उसी लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ का प्रॉफिट लॉस आपको अगर करना है तो आप SSC वाला प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ सकते हो, या फिर आप मान लो आप बैंक वाला, बैंक SBI PO का नहीं पढ़ सकते हो। आपको इस पैटर्न को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी है। ये पैटर्न को समझ लिया क्वेश्चंस के, तो उसके अब इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये काम आपने करना डेली है, ये डेली की हैबिट है जो आपने बनानी है। तो डेली आपको मिनिमम 1 आवर देना है। मैं मिनिमम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को, और फिर हम उन गोल्स को मीट नहीं कर पाते ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, फिर हम डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं और कई लोग तैयारी भी छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। आप एक मिनिमम अपना गोल सेट कर लो कि मैंने डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स, डेली एटलीस्ट 60 मिनट्स मैंने पेपर वन पढ़ना ही पढ़ना है। ये काम आप लोगों ने कर लेना है। और एक और उसका रीज़न भी है, जिस दिन पेपर टू ना करो उस दिन भी पेपर वन करो, बिकॉज पेपर टू आपका आप ऑलरेडी बैचलर्स मास्टर से करके आ रहे हो, कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज आप कैरी कर रहे हो। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपने शायद कॉलेज लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे नहीं किए होंगे, तो इसकी तैयारी अलग से करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये नॉलेज का पेपर कम है, ये आपके एप्टीट्यूड का पेपर ज़्यादा है, ये आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी का पेपर ज़्यादा है।
तो आपने वो एप्टीट्यूड डेवलप करना है, और वो एप्टीट्यूड डेवलप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स वीक था, लेकिन जब पेपर देने की बारी आई तो मेरा मैथ्स मैंने इतना इनफ अच्छा कर लिया था कि मैं नेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ और मैं पेपर वन में एक डिसेंट स्कोर अक्वायर कर लूँ। ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है, उसके अराउंड एक टेम्परामेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट आता है कि आप पेपर टू की तैयारी कहाँ से करोगे। पेपर टू जो है काफ़ी वास्ट है, डीप है, सब्जेक्ट की नॉलेज विड्थ में भी चेक कर रहे हैं, सुपरफिशियल भी चेक कर रहे हैं, डेप्थ इन डेप्थ भी चेक कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे भी कर रहे हैं, फैक्चुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, आजकल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, मैच द कॉलम क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो वाला काम तो आपने यहाँ पे भी करना है ना। सबसे पहला काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लो। जैसे मैं अपने इंग्लिश पेपर टू की बात करूँ, तो 3 साल पहले सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे थे, या सिर्फ थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और एक ही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होती थी। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मल्टी लेयर्ड हो गई है, तो 5 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से 2 इनकरेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना है। क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं, तो पहले लोग टाइमलाइन को पे फोकस नहीं करते थे, अब हम टाइमलाइन पे भी फोकस कर रहे हैं। पहले लोग कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते थे, तो अब कीवर्ड्स के लिए मैच द कॉलम आ गया है। पहले कीवर्ड्स डायरेक्टली 1 स्टेटमेंट में दे देते थे, आइडेंटिफाई कर लो ऑप्शंस में से 1, 2, 3, 4। अब क्या है, 4 कॉलम ए के पार्ट हैं, 4 कॉलम बी के पार्ट हैं, आपको उनको मैच करना है। तो थोड़ा लेवल उन्होंने वहाँ इंक्रीज कर दिया, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कीवर्ड्स पे अच्छा होल्ड है, तो डेफिनेटली मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो पहले देख लो कि आपका जो सब्जेक्ट है पेपर टू का, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, और यूनिट्स को अंधाधुंध मत पढ़ो। 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स हैं जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे होंगे, 2 यूनिट्स हैं जहाँ से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन एक दिन की तैयारी से आप उसको पढ़ सकते हो। 1 यूनिट ऐसी है जिसको शायद 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वहाँ से 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो उसको 1 महीना भी दे दोगे। वो अपना खुद डिसाइड करो कि मेरे पास इतना टाइम है और ये यूनिट्स ऐसे ऐसे पूछी जा रही हैं, इनकी तैयारी मैंने कैसे करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ नेट का प्रीवियस ईयर काम नहीं आएगा, यहाँ पे नेट का प्रीवियस ईयर, आपके अराउंड जितने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं, सेट का प्रीवियस ईयर, गेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर, ये सब आप जो है देखेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके स्टेट में अराउंड कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं, तो ये भी मैंने एक बहुत अच्छा पैटर्न देखा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो सेट है वो अपने नेट से काफ़ी बोरो करता है, और जो नेशनल लेवल का नेट एग्ज़ाम है वो स्टेट के सेट एग्ज़ाम से बहुत ही बोरो करता है। गेट भी हमारे पास एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, तो गेट के जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं उसकी कुछ रिफ्लेक्शन आपको नेट में देखने को मिलेगी। होगा क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपने एक राइटर का नाम देखा, आपने कॉन्सेप्ट का नाम देखा, या मान लो एक ऑप्शन में आपने वो नाम देखा, ये सेट एग्जाम में हुआ। अब वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें से नेट अगली बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कई क्वेश्चंस में, मैंने 5 से 10 क्वेश्चंस में ऐसी डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस जो हैं इस साल ऑब्जर्व की। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी पेपर टू के लिए आप अदर एग्जाम्स को भी देखो, नेट को देखो, सेट्स को देखो, गेट्स को देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, क्वालिफाइंग एग्जाम्स को देखो, यहाँ से पैटर्न्स को समझो, यहाँ से कॉन्सेप्ट्स को बोरो करो, और फिर आप उसकी तैयारी करो। अच्छा, और एक बात ध्यान रखो, इग्नू का सिलेबस ज़रूर देखना एक बार। इग्नू का सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ये 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सिलेबस जो है वो बहुत ही एग्जॉस्टिवली कॉरिस्पॉन्ड करता है विद UGC नेट के सिलेबस। मतलब जैसे इंग्लिश में तो ये इतना कॉमन पैटर्न है कि जो राइटर्स, क्योंकि हमारे तो अनलिमिटेड राइटर्स हैं ना, जो राइटर्स का जो वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उन्हीं में से समरी बेस्ड डिटेल्ड क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे। इस बार भी ऐसा हुआ है। तो मतलब अगर DU के सिलेबस में, इग्नू के सिलेबस में, SOL के सिलेबस में जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो थियोरीज दी हैं, अगर आप उनको ज़्यादा डिटेल में करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको बेटर अच्छे तरीके से उसको क्लियर करो, तो चांसेस हैं कि पेपर में आपको 15, 20, 22, 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे। बहुत बहुत हेल्प हो जाती है वहाँ से। तो इसको भी जो है अपना सोर्स बना के रखो, और साथ ही साथ अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज पे हमेशा काम करो, लेकिन ध्यान रखना ये सोर्सेज हमेशा लिमिटेड हों। चाहे आप मेरी YouTube क्लासेस से पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेरी पेड क्लासेस से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी और की YouTube क्लासेस से पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक्स मंगवा के पढ़ रहे हैं, मेरी बुक्स ही मंगवा के पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जिस सोर्स को पकड़ लिया पहले तो रिसर्च कर लेना वो सोर्स अच्छा है या नहीं, क्या वो टीचर है, क्या वो सिलेक्शन भी देता है या नहीं, क्या वो टीचर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इन्हांस करता है या नहीं। अगर हाँ, ओनली देन
उस सोर्स को पकड़ना, अब उस सोर्स पे बिलीव करना और उस एक सोर्स को 10-10 बार पढ़ना, रादर देन 10 अलग अलग सोर्सेज को एक एक बार पढ़ें, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उस एक सोर्स को 10 बार पढ़ो। यही फॉर्मूला है, इसी से सिलेक्शन मिलेगा, इसी से पेपर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच आपने पेपर वन पेपर टू के लिए फॉलो कर लेनी है कि कैसे करें तैयारी और कहाँ से करें तैयारी। अब अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने लिमिटेड सोर्स की बात की, क्रेडिबल सोर्सेज की बात की, तो अगर आप हमारे अड्डा 24/7 के बैचेस के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं नेट या JRF की, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप डबल वैलिडिटी और 79% का फ्लैट डिस्काउंट चाहते हैं, ये आपको हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मिल जाएगा। यूज़ कोड Y542, ये कोड ज़रूर अप्लाई करिएगा वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। ये सिर्फ आज और कल के लिए आपके पास अवेलेबल है। इससे आपको 79% का मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिल जाएगा और डेफिनेटली आप एक बेहतर प्राइस में इन बैचेस में एनरोल हो जाएंगे। और बैच में खैर एनरोल होने के बाद तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।